मांग लूंगी जैन के लिए अपनी कोई भतीजी। अरे आठ आठ जवान बच्चियां बैठी हुई हैं, एक भाई मना नहीं करेगा। नहीं अम्मी जान, अब कोई भी फैसला मेरी मर्जी के बगैर नहीं होगा, क्योंकि अब मैं शादी अपनी मर्जी से करूंगा, अपनी पसंद की लड़की से। मोहब्बत के बीच में मत आओ, ममता के पैर उखड़ सकते हैं, मोहब्बत का कुछ नहीं बिगड़ेगा। कल भी हम ही ने लेके जाना था, आज भी हम ही लेके जाएंगे। मैं तो कहती हूँ कि चांद की 13 तारीख बस पक्की समझ। जी जैसे मुनासिब, हमें मंजूर। मुझे आप दोनों की शादी की डेट फिक्स हो, और डेट फिक्स हुई है चांद की 13 तारीख। अच्छा तो जैन की मोहब्बत में झूम रही थी, है ना? होता है मेरी जान, जब मोहब्बत की कूंज को किसी के साथ के पर मिल जाते हैं ना, तो बेखुदी हवाओं में उड़ने लगती है, दिल करता है आसमान पर ऊंची उड़ान उड़ते जाए, चांद तारे को अपने माथे का टीका बना ले। लेकिन बेटियों के मुकद्दर चमकाने के लिए सिर्फ मोहब्बत के इस तारे काफी नहीं होते, हकीकत के इशारों को समझना पड़ता। मोहब्बत के आसमान पर अपनी उड़ान बरकरार रखने के लिए सबर की गहराई में उतरना पड़ता। ये जो घर गृहस्थी का समंदर होता है नरुणा, इसमें रवैयों के ऐसे रेले आते हैं, दुखों के ऐसे सैलाब आते हैं जो किरदार की कश्ती को हिलाकर रख देते हैं, जिसमें जलपरियों जैसी बेटियां अपने ही आंसुओं में डूबकर दुखों के समंदर में गोते खाने पर मजबूर हो जाती हैं। लेकिन गोताखोर बेटियों के इनाम में पता है क्या मिलता है? मजबूत किरदार के बदले हमसफर के दिल का साहिल, और सबर के बदले खुशियों के ढेर सारे मोती, जिसमें सच्चे और अनमोल रिश्तों के बेशुमार मोती छुपे होते हैं। और जो बेटी हर गोते से खुशी का सीब ढूंढ निकालती है, उसके पास
रिश्तों और खुशियों की कोई कमी नहीं रहती। समझा नहीं रानिया, जब सब कुछ ठीक होने जा रहा है तो तुम्हारी इन बातों का क्या मतलब है? वो जो रूना से तुम बात कर रही थी, मुझे यूं लगा जैसे तुम उसके दिल में कोई डर बिठाना चाह रही। ठीक समझे आप जमशेद, मैं अपने दिल में छुपा हुआ डर अपनी बेटी के दिल में बिठाना चाह रही थी। ये वही डर है जमशेद, जो मेरी माँ ने मुझे आपकी जिंदगी के साथ जोड़ते हुए मेरे दिल में बिठा दिया था। दुनिया की हर माँ के दिल में अपनी बेटी की आने वाली जिंदगी से मुतालिक एक डर छुपा होता है कि कल जब उसकी बेटी ससुराल में पांव रखे तो अपना हर कदम सोच समझ कर उठाए। और इसी डर के साथ मां अपनी बेटी के पल्लू में चंद उम्मीदें भी बांध देती है। मैंने भी रूना को ऐसी ढेरों उम्मीदें दी हैं। आपने तो सिर्फ उस डर को महसूस किया है और फिक्रमंद हो गए, लेकिन मुझे आपकी फिक्र की नहीं, रूना की खुशियों की परवाह। मैंने जो कहा है वो सब उसकी खुशियों के लिए कहा है। कुलसूम खाला की नेचर की वजह से मेरे दिल में बहुत सारे खदशात हैं। अभी तो भले उन्होंने अपनी औलाद की खुशी के आगे सर झुका दिया है, लेकिन कल ये झुकाव कहीं महज मामला फहमी ना हो। ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने ये फैसला मेरी वजह से किया हो। मेरी सास ने उनको धमकी दी थी ना रिश्ता तोड़ने की। मुझे नहीं लगता, अम्मी का फैसला सिर्फ दो सूरतों में ही बदल सकता है, शदीद मोहब्बत और शदीद नफरत। अब रूना इतनी बुरी भी नहीं है कि उससे नफरत की जाए, इतनी अच्छी भी नहीं है कि उससे मोहब्बत की जाए। क्या साबित करना चाहती हो? कि जैन की शादी तुम्हारी शादी के सदके में हो रही है और अम्मी जान तुम्हारा रिश्ता बचाने के लिए अपनी खुशियों और मानो असूलों का खून कर रही हैं। बोलो। Stop it, सुगी। क्या हो गया? हम इस खुशी को खुशी के तौर पे एंजॉय नहीं कर सकते? पहले जब वो राजी नहीं हो रही थी तो सब लड़ रहे थे कि वो राजी नहीं हो रही, अब जब वो राजी हो गई है तो ये बहस खड़ी हो गई है कि वो तब मान क्यों गई है। वो व्हाट नॉनसेंस यार। सही कह रहे हैं माजिद भाई, इस जरा में पढ़ने की जरूरत ही क्या है? आप लोगों के लिए ये बात खुशायंद नहीं है कि मैं खुश हूं? सारे बिगड़े काम आखिरकार ठीक होने जा रहे हैं। दो साल से रुखसती के इंतजार में बैठी बतूल अपने घर रुखसत हो जाएगी। अम्मी जान अपने बेटे के सर पे सहरा देखने का ख्वाब पूरा कर लेंगी। क्या ये सारे रीजंस कम लग रहे हैं आप लोगों को उनकी हाँ के लिए? मैं भी तो यही कह रही थी। जी नहीं, आप ये नहीं कह रही थी। आप कह रही थी अम्मी की मोहब्बत और नफरत किसी भी हद तक जा सकती है। तो गलत क्या था? पहले अम्मी जान को रूना से नफरत थी ना, थी ना? तो आपको क्या लगता है अब उससे मोहब्बत हो गई है? बिल्कुल हो गई है, क्योंकि अम्मी जान अगर जैन से मोहब्बत करती हैं तो जैन की मोहब्बत से नफरत कैसे कर सकती हैं? पॉइंट। इस मामले को अब मैं ही हल कर कराऊंगी, या तो वो नहीं या फिर मैं नहीं। अम्मी जान, जिस बेटे के लिए आप लड़ने जा रही हैं ना, वो खुद को खत्म कर लेगा अगर आपने रूना या उसके घर वालों को जाकर कुछ भी कहा तो।
السلام علیکم. السلام. عامل بابا ہیں؟ جی جی آپ اندر آ جائیں. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ آپ کا نام غالباً کلثوم بی بی. جی 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 پروفیسر صاحب کلثوم ہی ہے میرا نام. معافی چاہتی ہوں ذرا آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی تھی. کوئی بات نہیں. ایک منٹ انتظار کیجیے. جی جی بالکل. یہ تعویذ بچے کے گلے میں باندھ دیجیے گا. ایک ہفتے بعد تشریف لائیے گا. یہ آپ کے لیے. یا اللہ جی کلثوم بی بی. زہرہ بی بی بتا رہی تھی کہ آپ کسی مسئلے سے دو چار ہیں. جی پروفیسر صاحب میرے بیٹے کا مسئلہ ہے. پہلے بھی اس کی شادی دو بار ہوتے ہوتے رک گئی اور اب پھر میں بہت پریشان ہوں پروفیسر صاحب. بڑی امید لے کر آپ کے پاس آئی ہوں. اب تو جو کرنا ہے آپ نے ہی کرنا ہے. یا اللہ خیر. بچے کا نام کیا ہے؟ زین العابدین. ماں کا نام کلثوم سلطانہ. وہ دراصل آپ ہی اور ماجد بھائی چاہتے تھے کہ شادی کی شاپنگ میں رونا ساتھ مل کر ہی کریں. ایکچولی مجھے رونا کو گھر سے باہر بھیجتے ہوئے خوف محسوس ہو رہا ہے. یہ دل منکر ہوا. یہ دل منکر ہوا. میں کوئی کمی نہیں رہنے دینا چاہتی. رونا کو بالکل اسی طرح سے رخصت کرنا چاہتی ہوں جیسے ماں جی چاہتی تھی. پوری دھوم دھام سے انشاءاللہ. چاہتی ہے چائے رہنے تو میں بنا لوں گی. تم باقی کی چیزیں لے آؤ. بوا جی آپ نے تو شادی سے دو دن پہلے آ جانا ہے میرے پاس. آپ کو تو پتہ ہے شادی بیاہ والے گھر میں کتنے سارے کام ہوتے ہیں. پہلے ماں جی تھیں تو سب کچھ سنبھال لیتی تھیں. اس بار مجھے آپ کی سخت ضرورت ہے. اور آپ یہاں ہوں گی تو جمشید کو ماں جی کی کمی محسوس ہوگی. اللہ یہ کیا کیا تم نے؟ دیکھ کر نہیں چل سکتی تھی تم. سوری باجی وہ آپ. تمہیں نہیں پتا مٹھائی گرنا کتنا برا شگن ہوتا ہے. کتنا برا شگن ہوا اس وقت یہ. میں دوسری جاتی ہوں باجی. دوسری کی بات نہیں ہے چاندی. مٹھائی کا گرنا برا شگن ہوتا ہے. بوا جی بتائیں نا آپ. پریشان مت ہو رانیا. جتنا برا ہونا تھا وہ ہو گیا. اب کچھ برا نہیں ہوگا. سب اچھا ہوگا. ٹھیک کہہ رہی ہے بچی. اللہ بہتر کرے گا بیٹا. آپ لوگ شروع کریے. ہم اور مٹھائی لے کر آتے ہیں. پریشانی بالکل درست ہے. حالات پہلے سے برعکس ہیں.
कड़े अमल से गुजरना पड़ेगा, कुछ वक्त भी लग सकता है, लेकिन इंशाल्लाह उसके बाद आपके बेटे की जिंदगी से बुरे असरात का साया टल जाएगा। कितना वक्त लग जाएगा प्रोफेसर साहब? मेरी तो कोशिश होगी कि रातों रात आपके बेटे की जिंदगी से बुरे असरात का साया टल जाए, लेकिन वक्त का सही तायुन तो अमल शुरू होने के बाद ही हो सकेगा। तो शुरू कीजिए ना प्रोफेसर साहब, अमल शुरू कीजिए और ऐसा अमल करें कि ये रूना नाम की बला मेरे बेटे के सर से टल जाए। या अल्लाह। इस तरह से पैक करो कि उसकी शाइन खराब ना हो कपड़े की, और ये जो इसमें भी सलवटे ना पड़े, ठीक है? वरना दोबारा दोबारा करना पड़ेगा, वो खराब हो जाएगी इससे ही। आप भी इसको भी इसमें रखो। आप भी आई एम सॉरी आपी, मुझे आपके साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। हम मिलके जैन भाई की शादी की खुशियां मनाएंगे। मैं भी तो यही चाहती हूँ। तो फिर दोस्ती? भाई वाह, ये नहीं झगड़े हमारे सामने और दोस्ती चुप चुप कर, ये तो चीटिंग है भाई। किस बात की चीटिंग? जैन भाई ने खुद मुझे बोला था, पूछे इनसे। हाँ, पर मैं ये नहीं जानता था कि मेरी बहनों को मेरी खुशी इतनी अजीज है कि वो एक दूसरे को गले लगा देंगी। अरे ये बात तो तुम लोग के फैशन के खिलाफ हो गई ना, तुम लोग तो वो गाल से गाल टच करके फुं फुं ऐसे आवाज निकालते हो ना, तो यही है ना इन फैशन में आजकल। तुम फिर से शुरू हो गए, जाओ जाके अपना काम करो, हमें हमारा काम करने दो। अरे अम्मी जान, आपने इतनी देर कर दी, शफी मामू ने क्या लंच के लिए रोक लिया था? नहीं बेटा, मैं शफी मामू के घर से दरगाह चली गई थी। जैन की खुशियों के लिए, इसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुआ कराने के लिए गई थी। चाय जरा भेज दो मेरे कमरे में, सर में दर्द हो रहा है। जी अम्मी जान। और जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, भी इतना काम पड़ा हुआ है। मम्मी को चाय दी है? जी दिया है। बहुत थकी भी लग रही थी और परेशान भी। थकी थकी लग रही थी? तबीयत तो ठीक है ना उनकी? तुम लोग उनकी दवाओं का तो प्रॉपर ख्याल रख रहे हो ना? दवाई तो दे रहे हैं अम्मी जान को, लेकिन वो जैन की शादी को लेके थोड़ा सा जहनी दबाव का शिकार है। जहनी दबाव? उस तरह की बात नहीं है, बस अम्मी जान को ये परेशानी है कि फिर से शादी में कोई ऊंच नीच ना हो जाए। अल्लाह ना करे आपी, अब तो किसी में हिम्मत भी नहीं बची कि कोई टेंशन फेस करे, और वैसे भी शादी है कोई मजाक थोड़ी जो रोज रोज। वो तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से जैन की दो बार शादी टूटी है उससे वो बहुत स्ट्रेस्ड हो गई हैं, और जैसे जैसे शादी के दिन नजदीक आ रहे हैं उनके खौफ बढ़ता ही जा रहा है। तुम लोग किस लिए हो यार? ख्याल रखो ना उनका, बिजी रखो ना। ख्याल तो रख रहे हैं, तीन दिन से तो वो कमरे में बंद पड़ी हुई थी, अब निकली हैं तो जाके दरगाह पे बैठ गई हैं। मुझे तो हॉल पर रहे हैं, शादी की इतनी ज्यादा तैयारियां हैं, मेहमान आना शुरू हो गए हैं, दूल्हा दुल्हन की कोई शॉपिंग नहीं हुई है, दुल्हन के लिए कुछ नहीं लिया, जैन के कपड़े नहीं आए हैं, सब कैसे होगा? मेरे पास एक सजेशन है। दू? देखिए घर का काम मैं और आप संभाल लेते हैं, बाहर का काम वैसे भी माजिद भाई ने संभाला हुआ है, वो ही संभालेंगे। अम्मी को हम रिश्तेदारों में बिजी कर देते हैं। और दूल्हा दुल्हन की शॉपिंग? इसका जवाब सुनकर तो जैन भाई का दिल खुशी से उछल पड़ेगा। दुल्हा दुल्हन की शॉपिंग दुल्हा दुल्हन खुद करेंगे, क्यों भाई? आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो अम्मी जान की तबीयत? अरे भाई उसकी फिक्र आप ना करें, वो हम देख लेंगे, बस आप अपनी जिम्मेदारी कबूल करें ताकि हमारे सर से एक बटन तो कम हो। अच्छा हाँ, जाने में कोई हर्ज भी नहीं है, जा सकते हैं। Excuse me.
हेलो, कौन आप? ज़ैन जी, मैं चांदी। आप एक मिनट होल्ड करें, मैं अभी बुलाती हूँ। किसका फोन है? वो बाजी ज़ैन होल्ड पे आपसे बात कर। अच्छा, वो जिब्रान वॉशरूम में जाके उसको कपड़े चेंज करवा दो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रानिया जी। वालेकुम अस्सलाम। रूना का नंबर बंद है क्या? नहीं नहीं, वो दरअसल आप ही से बात करनी थी। मुझसे? मुझसे क्या बात करनी है दामाद जी? वो दरअसल आप ही और माजिद भाई चाहते थे कि शादी की शॉपिंग मैं और रूना साथ मिलकर ही करें। सॉरी रानिया जी, अगर आपको बुरा लगा तो मैं फोन लेते था। नहीं नहीं ज़ैन, मुझे बुरा क्यों लगेगा, बल्कि मैं तो चाहती हूँ तुम दोनों शॉपिंग पर साथ जाओ बाहर, एक दूसरे की पसंद नापसंद के बारे में पता चलेगा। लेकिन लेकिन जमशेद अंकल नहीं मानेंगे। नहीं ज़ैन, वो बात भी नहीं है। तो फिर बताइए ना प्लीज, क्या बात है? एक्चुअली मुझे रूना को घर से बाहर भेजते हुए खौफ महसूस हो रहा है। रानिया जी, अगर माजिद भाई, रूना, मैं और अंजू एक साथ शॉपिंग पे जाएं तो? हाँ हाँ ठीक है, लेकिन अंजू तो अभी हॉस्टल गई हुई अपना सामान लेने। आप उसकी फिक्र ना करें, हम उसे वहीं से पिक कर लेंगे। आप बस बताएं कि मैं रूना को कितनी देर में लेने आऊं। ऐसा करो कि तुम आ जाओ, मैं रूना से कहती हूँ कि वो रेडी हो जाएगी। लेकिन एक बात प्लीज जहन में रखना कि तुम लोग जहां भी शॉपिंग पर जाओगे मुसलसल मेरे कॉन्टेक्ट में रहोगे, और प्लीज घर के पास किसी नजदीक जगह पर जाना। जी बिल्कुल, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। तो रानिया जी, मैं रूना को लेने आ जाऊं? हाँ तुम आ जाओ। थैंक यू रानिया जी, थैंक यू। चल खुदा हाफिज। हेलो अंजू, कहाँ हो? पागलखाने में। यही तला मौसूल हुई थी। अच्छा सुनो, जल्दी से रेडी हो जाओ, माजिद भाई तुम्हें पिक करने आ रहे हैं। क्यों यार, हम तुम्हें अपने साथ शॉपिंग पे लेके जा रहे हैं। तुम लोग चले जाओ ज़ैन, मेरा कहीं जाने का मन नहीं है। कम ऑन यार, मैंने कहा थोड़ा शोहल ही लगा लेंगे यार, आफ्टर ऑल मेरे और रूना की शादी की शॉपिंग है। हाँ ज़ैन, लेकिन प्लीज तुम लोग चले जाओ। अच्छा फिर ठीक है, रूना को खुद जवाब देना और रानिया जी की डांट भी खुद सुन लेना, और माजिद भाई जो तुम्हें पिक करने के लिए निकल चुके हैं ना, उनको भी कुछ समझा के वापस भेज देना, ठीक है? अंजू यार, तुझे कोई बाहर माजिद साहब बुला रहे हैं। हाँ उन्हें कहा आती हूँ। ओके ओके गुड, अब जल्दी से आ जाओ। हाय हाय भाई, छोड़ो पागल लड़की, तुम मुझे ये बताओ कि मैं दो दिन से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, तुम फोन क्यों नहीं अटेंड कर रही थी? रोना के साथ थी। मैसेज तो कर सकती थी। नाराज हो? आर यू एंग्री? मैं क्यों नाराज होंगी, मैं कोई एंग्री बर्ड हूँ? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। क्या कि मैं एंग्री बर्ड हूँ? नहीं कि तुम नाराज हो। भाई मैं क्यों नाराज होंगी, नाराज तो आपको होना चाहिए ना, इतनी सड़ी धूप में पौने घंटे से आप इंतजार कर रहे हो। इस जलती धूप ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं तो आराम से शीशे ऊपर करके एसी ऑन करके मजे से बैठा हूँ। वैसे भी बिन बताया आया हूँ तो इतना इंतजार तो बनता था, इसमें तुम्हारा क्या कसूर? कसूर तो ना आपका है ना मेरा, ना जाने क्यों
क्यों तुम रो रही हो? जो क्या हुआ? ये दिल मुनकिर हुआ, ये दिल मुनकिर हुआ। I need some energy. मुझे खाना खाना है, मैं और नहीं चल सकती। अंजू तो मैं अभी थोड़ी देर पहले तो जूस पिलाया, तो मैं फिर भूख लग गई। तुम्हारे जूस ने ना कुछ असर नहीं किया, मुझे खाना खाना है। अंजू थोड़ी सी शॉपिंग रह गई है, करवा लो ना, उसके बाद फिर कुछ खिला दूंगी। तुम्हारी थोड़ी सी शॉपिंग में 4 घंटे और गुजर जाएंगे, मैं इतना वेट नहीं कर सकती। इस वक्त तक तो मैं इंतकाल कर जाऊंगी। अच्छा चलो ठीक है, हम अंजू को कुछ खिला देते हैं, इसी बार हम भी खा लेंगे। नहीं ना, मुझे इतनी देर से रानिया के 1000 कॉल आ चुकी हैं, और अगर उसको पता चला हम खाने पीने में और टाइम जाया करें तो मार देगी। तो आप लोग अपनी शॉपिंग कंप्लीट करें, मैं अकेले खाना खाने जा रही हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को ज्वाइन कर लूँ। नहीं 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 रुको, तुम वाकई थकी हुई हो, तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं है। आई थिंक हम में से किसी को तुम्हारे साथ चलना चाहिए। नहीं एक वनीला शेक, कोल्ड कॉफी। हाँ एक चिकन चीज सैंडविच। अंजू कुछ साल पहले मेरा ख्याल था कि आपका लाइफ पार्टनर, आपका जिंदगी का शरीक सफर
आपकी नेचर से मुताबिकत रखता हूं तो जिंदगी बेहतरीन गुजर सकती है, और इसी सोच ने मुझे गुलाम सुगरा की तरफ मुतवज्जे किया। लेकिन शादी के बाद अंदाजा हुआ कि जिंदगी किसी मैकेनिज्म, किसी सिस्टम का नाम नहीं है जो एक 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 एक, एक, एक फिक्स सिस्टम के तहत चलती है। ये जो जो मोनोटनी है ना, यकसानियत, ये जिंदगी का रूप बन जाती है। अपनी पसंद के रंगों के सजे हुए सूखी के लिबास मुझे बोर कर देते हैं। उसके लंबे लंबे लहराते बाल मुझे ओल्ड फैशन लगने लगते हैं। उसके महारत से बनाए हुए कोफ्ते कबाब मुझे जहर मार करने पड़ते हैं। पता है, मेरा दिल चाहता है कि कभी वो ऐसा खाना बनाए जो आधा कच्चा हो, आधा जला हुआ हो। मैं उस पर तंज करूं, उसका मजाक उड़ाऊं, वो घंटों पार्लर में बैठी रहे, मेरा पैसा बर्बाद करे और मैं बाहर गाड़ी में बैठा उसके इंतजार में सड़ता रहूं। वो उल्टे सीधे फैशन की छोटी लंबी कमीजें पहने, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। वो कभी ऐसा नहीं करती इसलिए कि वो मेरे जैसी है, मेरे रंग, मेरे तरीके, मेरी पंक्चुअलिटी। उसने कभी खुद को अपडेट करने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। पता है अगर वो किसी और रंग में रंगी होती और खुद को मेरे रंग में ढाल लेती तो मुझे उसे देखकर उतनी ही खुशी होती जितने तुम्हारे मुंह से अपनी पसंद की कोल्ड कॉफी सुनकर। वैसे उतनी कशिश महसूस करता जितने तुम्हारे पटांग फैशन देखकर करता। बट नाउ आई रियलाइज के शादी एक ही रंग के दो लोगों को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक ही रंग के लोग ना तो दूसरे को अपने रंग में रंग सकते हैं और ना ही दो अलग अलग रंगों का मिलाप जिंदगी को कोई नया वजूद दे सकता है। लेकिन अब रियलाइजेशन का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरी जिंदगी में एक ही औरत की गुंजाइश थी और वो औरत मेरी जिंदगी में आ चुकी है। And I've also realized कि हमें अपनी खुशी इसी लवे में डंप कर देनी चाहिए। And I'm not an angry bird anymore. I guess I'll have to settle with my vanilla shake and my flirty life. Cheers. मैं फ्रेश होकर आता हूँ। रानिया जी दोबारा कॉल कर रही हैं। तुम ऐसा करो,
तुम बात करो, गाड़ी में बैठो, मैं माजबे को फूड कोर्ट में देख कर आता हूँ। ओके, ऑलराइट, सी यू देयर। हाँ जी रानिया, हाँ बस शॉपिंग कंप्लीट हो गई, हाँ हम भी आए हैं। ओके बाय। Are you okay? हाँ, मुझे क्या हो रहा है? नहीं वो, जो तुम रो रही हो, जो क्या हुआ? कुछ भी नहीं, नथिंग एट ऑल। रोना को लेकर अपसेट हो, है ना? देखो मैं जानता हूँ, शी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। उसके जाने के बाद तो बहुत अकेला महसूस करोगी, बट डोंट वरी, हाँ एवरीथिंग विल बी ओके। ये जब भाई तुम्हें छोड़ के कहाँ चले गए हैं? मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। ओह चलो, चीयर अप, खाना खाओ और माजिद भाई को लेकर फॉरन पार्किंग लॉट में पहुंचना, ठीक है? व्हेनेवर यू आर डन। ऑलराइट। ये दिल मुनकिर हुआ, ये दिल मुनकिर हुआ। उसकी आंखों में ऐसी नगरी जिस पे उतरते ही दुनिया आखिरत, जन्नत दोजख, गुनाह सवाब सबके फर्क मिट जाते हैं। तुम्हारी नानी का हार है, इसे पहन कर अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देना। मैं हार जरूर पहनूंगी लेकिन अपनी शादी के दिन नहीं। अरे 5 लाख रुपए मैंने तुम लोगों को इसलिए दिए थे कि मेरा बेटा उस लड़की को ब्याह कर घर ले आए। देखो यहाँ बैठकर मैं उस लड़की के साथ क्या करता हूँ। अभी जाओगे? मेरी बुजुर्गों से बात हो चुकी है, ये कदम मैं उनकी इजाजत से उठा रहा हूँ।